अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों में बहुत अच्छे। तो ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने अपने नाश्ते से। तो नाश्ते में आज हेल्दी नाश्ता हो रहा है, वो मैं आप लोगों को अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और कल का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हमारी छोटी मोटी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो ये है मेरा नाश्ता। नाश्ते में दलिया है, दलिये में मैंने एप्पल ऐड करा है, और ये क्या है, अखरोट, और वो बादाम। तो आज थोड़ा हेल्दी नाश्ता होने वाला है, आप लोग भी कर लीजिए। ये थोड़ा मतलब दो एक दो मिनट हो गए ना इसे काटे हुए, तो ये अपना कलर दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा लालपन आ जाता है ना, पहले काट दो। तो आप लोग भी कर लीजिए हेल्दी नाश्ता। तो गाइस, नाश्ते के बाद बहुत देर बाद, मतलब अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी। माशाल्लाह मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है। वैसे बहुत कुछ काम कर रहा है, शाम के लिए करेले वगैरह छील के रखे हैं। और ये मैंने थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया क्योंकि अभी खाया नहीं जा रहा है। तो बिरयानी जब बनेगी, ये चावल भिगा दिए हैं, वो ना मैंने करेले के लिए प्याज काट के रखी है, वो नहीं दिखा आपको, ठीक है? तो खाना बनाते हैं, फिर आप लोगों को बिरयानी दिखाएंगे बाद में। तो बिरयानी हो चुकी है रेडी, माशाल्लाह आप लोग भी खा लीजिए मज़ेदार बिरयानी, चटनी, पापड़ और ये रायता जो थोड़ा सा खा लिया गया है। तो गाइज, बिरयानी का मज़ा लेके और अपनी सज़ा भुगत के, यानी कि जो घर के काम होते हैं वो करके बैठी हूँ अभी मैं। और मुझे थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है, और कपड़े धोने थे मुझे, वो धोए मैंने क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी, वो सब धोई मैंने। और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही क्योंकि मुझे ना थोड़ा दिन में मतलब आदत है सोने की, और मैं अभी सोई नहीं ना, तो सर में दर्द हो रहा। रात भी ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। मतलब सुबह के 4 बज गए थे, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। खैर फिर थोड़ी देर सोई, तो फिर बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल का, तो 7 बजे तो मैं फिर उठी गई थी। बल्कि मैं ना अपना मतलब फेशियल किट वगैरह लेके आ रखी हूँ, वो अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा ना वो करने का भी मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही थी पेडीक्योर वगैरह भी करती, लोकल वाली, ऐसे वो प्रोफेशनली लोकल वाली पेडीक्योर। मैंने कहा पैर ना फट रहे हैं तो मैंने कहा कर लेती, पर आल का सारा कुछ मन नहीं कर रहा क्योंकि थक गई मैं। इतने सारे कपड़े वपड़े धोए, बिरयानी वगैरह बनाई, तो अब मन नहीं कर रहा। किचन विचन क्लीन करके आ गई हूँ और आप लोगों का दिमाग चाट रही हूँ अब मैं। तो मैं ना बिरजू के कपड़े दिखाती हूँ, अपने कपड़े तो नहीं दिखा रही हूँ, बिरजू के दिखाती हूँ आप लोगों तो को। ये हैं बिरजू के कपड़े, ये कॉटराइस की पैंट है उनकी, और ये वाली टी शर्ट जो वो ले नहीं रहे थे, मैंने ही बोला कि ले लो। और जो दिन हम चैनल ऐप से जैकेट लाए थे ना, ये उसके अंदर पहनेंगे। ये टी शर्ट अच्छी लग रही है मुझे, बल्कि वो ले नहीं रहे थे क्योंकि थोड़ी सी महंगी थी, तो इसलिए ले नहीं रहे थे, पर फिर ले ली उन्होंने ये। और ये है मेरी फेशियल किट जो मैं शायद 2 साल में एक बार करती हूँ, पर मैं लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं काम आ जाएगी, पर आल का सारा मन नहीं कर रहा है। और ये ना मैं आपको अपने सूट का बिल दिखा रही हूँ, मैं सूट नहीं दिखा रही हूँ, मतलब मैं बिल भी इसलिए दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने सच में लिए हैं 2 सूट। तो ये 2 सूट इतने के बिरजू के लिए हैं। कपड़े दिखा दिए और अपने सूट का बिल दिखा दिया, ताकि लगे आप लोगों को कि हाँ मैंने सच में लिए। सूट दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जल्दी दिखाऊंगी। और बैग भी ना सुबह से निकाल रखा है, पर्स अपना कि इसे रेडी करके रख देती हूँ, जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसे रेडी करने का भी मन नहीं कर रहा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह जो मुझे रखना होता वो मैं आप लोगों को दिखाती अभी, देखती हूँ। खैर अभी टाइम है काफ़ी ब्लॉग मतलब एंड करने में, तो मैंने कहा चलो जब अभी से थोड़ी देर में मैं इसे सेट करूँगी, मतलब मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइज, आलकस दूर करने के लिए अपने लिए काटा है मैंने पपीता, और इधर ये देखो थोड़ा सा फैलावा पड़ा है, और मेरा ना बहुत मूड ख़राब हो रहा है। मूड इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरी ना घड़ी का चार्जर नहीं मिल रहा, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा। अब बताओ, ये है घड़ी, 2000 की घड़ी, और एक चार्जर के बिना ऐसे बंद पड़ी है, अब खुल ही नहीं रही। अब मैं इसे कम ही यूज़ करती हूँ, मिल नहीं रहा, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, बहुत देर से। खैर पपीता खाते हैं, देखते हैं बाद में आगे ब्लॉग कंटिन्यू होता है या यही ब्लॉग आज आप लोगों को
मेरा हल्का देखने को ही मिलेगा बस। इस मूड अच्छा हो ना हो, खाना तो बनता ही है। घड़ी का चार्जर तो खैर मिल ही जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले, ये प्याज और ये करेले, मतलब करेले से ज़्यादा है थोड़ी प्याज, पता नहीं क्या गिर गया था, तो बस यही डालूंगी। बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। चलो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज मैंने डाल दी, और ये ना सुबह के काट के रख रखे थे मैंने, तो थोड़े हार्ड हो गए। इन्हें सॉफ्ट करने के लिए 1 चम्मच नमक डालेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। तो प्याज ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं मिर्च और ज़ीरा बस। तो वाइज बस इसमें ये करेले डालूंगी, इन्हें अच्छे से लाल करूंगी, और इसमें मैं एक चुटकी हल्दी डालूंगी, और कोई मसाला नहीं पड़ेगा इसमें। तो नमक मैंने इसमें ना पहले भी डाला था, वो बाद में टेस्ट करके डालूंगी, बस अभी से हल्की आंच पे रख दूंगी। तो गाइस देखिए करेले बन चुके हैं। ये भी आपको ऐसे लग रहे हैं, मतलब ये अभी ताज़े हैं। अगर आप ऐसे बना के सुबह में खाओगे ना, कसम से मज़ा ना आ जाए ना, तो पैसे वापस। तो चलिए गाइस खाना वाना बन गया है। खैर अभी आलकस थोड़ा सा दूर हो गया है, क्योंकि तब से मैं ना अपनी घड़ी का चार्जर ढूंढने में लगी थी। तो मैंने कहा चलो इस टाइम ज़्यादा हो गया, अब आपको पता है रात के खाने में करेले बने हैं, तो बस अब रोटी वोटी बनाऊंगी। तो मैंने कहा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। अब पर्स वर्स जो रेडी करूँगी, मतलब जो इसमें रखूँगी, वो मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।